मीडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब खबर विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त किया गया है, जिससे समग्र देश में खुशी का माहौल छाया हुआ है। जब जम्मू कश्मीर के निवासी और कश्मीरी पंडित अजय भाई, जो कि अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में पिछले कई सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे हमारे संवाददाता गौतम भाई व्यास ने इस निर्णय के बारे में बातचीत की और जम्मू कश्मीर की परिस्थिति 30 वर्ष पहले क्या थी और यह धारा 370 हट जाने के बाद अब इससे क्या फ़ायदा होगा, उनसे बातचीत करके उन्होंने जाना। आइए हम वहाँ चलते हैं और उनसे ही जानते हैं इस खास बातचीत में करते हुए कश्मीरी पंडित अजय भाई दुबे। हमारे भारत देश के वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जम्मू कश्मीर में से 370 और 35 ए धारा दूर की है और इसी कारण हम आज यहां पर केवड़िया कॉलोनी में जम्मू कश्मीर से आए हुए पंडित खास चर्चा करेंगे और हम उनसे ही जानने का प्रयत्न करेंगे कि जम्मू कश्मीर में पहले की परिस्थिति कैसी थी और यहां पर ये कलम जो हटा दी है तो अभी की परिस्थिति वहां की क्या है। जम्मू कश्मीर के बारे में हमारे साथ मौजूद है कश्मीरी पंडित अजय भाई, आइए हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते, मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र जी मोदी जी का बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो ये 370 और 35 ए का आर्टिकल हटाया है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था पहले कि ये क्या है, क्योंकि हम वहाँ पे रह रहे थे तो इससे कितनी खुशी, कितनी मतलब पूरे देश भर में ये खुशी आई हुई है। ये एक बहुत बड़े त्यौहार के इसमें आज 70 साल के बाद, आज़ादी के 70 साल के बाद जो ये कदम उठाया गया है हमारी सरकार की तरफ से, ये बहुत ही बड़ा खुशी का पर्व है। हमें आज 30 साल हो गए हैं जो हम कश्मीर से निकाले गए थे, वहाँ पे जो वहाँ पे हत्याएं हुई थी, जो एक डोमिनेंस हुई थी पूरे वहाँ पे कम्युनिटी की, जो टेररिस्ट की तरफ से जो पूरी डोमिनेंस हो गई थी कश्मीरी पंडितों के ऊपर, वो हटाया गया। मतलब उससे जो आज वो पूरा फ्री हो गया पूरा, और ये पूरा जो हमारा जो कम्युनिटी है पूरे देश भर की, जो पूरा उस कश्मीर के साथ मिल गया, ये एक आज लग रहा है कि पूरा एक भारत बन गया पूरा। नहीं तो एक क्या था, पूरा कश्मीर भारत अलग था, हिंदुस्तान अलग था, और ये आज उससे मिलने के से आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये सब मिलके पूरे हमारे कश्मीरी पंडित की तरफ से, चाहे वो जहाँ पे भी रहता हो, हिंदुस्तान में रहता हो, बाहर रहता हो, सबके लिए खुशी की बात है। और हम इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा मतलब एक सल्यूट है ये हमारी तरफ से उनके लिए कि उन्होंने हमारे ये कदम उठाए। ये पूरे भारतवर्ष के लिए पूरे एक अच्छी बात है। अब बाहर के लोग वहाँ पर आ सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, आगे और प्लान्स होंगे गवर्नमेंट के, और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वहाँ रह सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, तो हम उसके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का, खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी का, और हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं सभी बीजेपी का जिन्होंने हमारा साथ हमेशा दिया है और आज तक देते रहे। मैं ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर में जो हिंदू लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा डिसीजन लिया है ये। और हमारे साथ जो हमारा एक बंधु है मिस्टर अजय, जिसको जिसकी खुशी का कोई ये नहीं है, उसको खुश देख के हम लोग भी खुश होते हैं। हम लोग साथ में काम करते हैं, हमको कभी भी ऐसा मैसेज नहीं हुआ है कि ये कश्मीर से है या कहीं से है। हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने ऑलरेडी उसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं वो। और अभी जो इनकी खुशी है और इनको जो वापस कश्मीर जाने का और इनका जो वो हिसाब से खुशी का जो ये है, तो हम लोग भी ये प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी अपने स्टेट में सेट हो जाए और अपने गवर्नमेंट्स के जो भी नए प्लान्स और ये सब रहेंगे उनमें वो सहभागी हो, उनको भी उनसे लाभ मिले, जो वापस वो घर जा सके। और हमें भी पूरा इंडिया में मतलब जो कश्मीर के लिए घूमने के लिए सब कुछ पर्ची मतलब जो प्रोसेस था वो करना पड़ता था, वो सब भी अब फ्री हो जाएगा, तो हम बिंदास घूम सकते हैं वहाँ पे और एंजॉय कर सकते हैं। तो वी थैंक्स फॉर बीजेपी, अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। भारत माता की जय। तो ये थे यहाँ पर हमारे साथ आज केवड़िया कॉलोनी में अलग अलग स्टेट के लोग जो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इंजीनियर की पोस्ट पर यहाँ पर फर्ज बजा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
ग्वालियर तालुका पंचायत द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया था। समस्त आदिवासी परिवार के लोग इसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। उन्होंने नृत्य और अपने गान के द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वह अपने हाथों में तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह रैली पूरे क्षेत्र में एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इस रैली का आयोजन श्रीमती लीला बहन चतुर्भाई वसावा द्वारा किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। गुजरात से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जिला चरखी दादरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर किरण कलकल ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। डॉक्टर किरण कलकल ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास नारे को सार्थक किया है, जिसका परिणाम यह है कि आज पूरे भारत में एक संविधान लागू हुआ है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का सभी प्रदेशों की तरह चहुमुखी विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सही सोच की वजह से आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर किरण कलकल ने आशा व्यक्त की कि हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। धारा 370 का विरोध शुरू किया था। उन्होंने एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे जैसे नारा दिया। अटल जी ने इसको आगे बढ़ाया। अब हिंदू सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी ने व गृह मंत्री जी अमित शाह की जोड़ी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। आज का दिन भारत के स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। जो लंबे समय से मांग थी उसको पूरा करके माननीय मोदी जी ने जो एक संकल्प और एक चुनाव से पहले वायदा किया था उसको निभा करके ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।